हेलो बच्चों, आज हम आपके ऑनलाइन क्लासेस के चलते आपके हिंदी विषय के पार्ट 3 जिसका नाम है दिव्य तीर्थ कन्याकुमारी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत है और भारत की संस्कृति है और जो सभ्यता है वह सबसे अधिक प्राचीन और विश्वविख्यात है, यानी पूरे विश्व में मानी जाती है। हमारे भारत में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने वाले कई शहर और आकर्षक कलाकृतियाँ हैं जो कि आकर्षण का केंद्र हैं और जिन्हें देखने के लिए हजारों पर्यटक हर वर्ष हमारे भारत में घूमने के लिए आते हैं। हमारे भारत की संस्कृति से यह मान्यता है कि कुछ दिव्य तीर्थस्थल ऐसे हैं कि जिनके दर्शन का मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी के अंतर्गत इस पाठ में कन्याकुमारी के बारे में बताया गया है कि कन्याकुमारी में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ का जो वातावरण है वो किस तरह का है और उसमें प्रसिद्ध और मुख्य वस्तुएं क्या देखने योग्य हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत भी कुछ काल्पनिक पात्रों के माध्यम से वहाँ के जो आकर्षक कलाकृतियाँ हैं या जो उससे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उन सभी को इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काल्पनिक पात्र हैं उनके माध्यम से इस पाठ का निर्माण किया गया है, तो मैं आपको कहानी की तरह ही इस पाठ को समझाती हुई चलती हूँ कि इस पाठ के अंतर्गत जो आलोक के पिताजी हैं वह पर्यटक विभाग में अधिकारी थे और एक बार जो उनके एक मित्र थे वह उनसे आगरा में मिलने के लिए आए। तब उनके पिताजी ने ऑफिस से छुट्टी लेकर उन्हें आसपास के अनेक दर्शनीय स्थल यानी आगरा में जो देखने योग्य वस्तुएं हैं वह घुमाई और उन्होंने उन्हें ताजमहल भी दिखाया। तब उनके जो पिताजी थे उन्होंने अपने मित्र को बताया कि यहाँ देश और विदेशों से अनेक भ्रमार्थी केवल ताजमहल देखने के लिए आते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि ताजमहल को देखे बिना उनकी जो भ्रमण या उनकी जो यात्रा है वह पूरी नहीं होती है। इसी तरह आगरा का प्रसिद्ध किला फतेहपुर सीकरी के महल अकबर के बनाए हुए हैं। जहांगीर के समय की इमारतों में आगरा के पास सिकंदरा तथा एतमुद्दौला का मकबरा जो है वहाँ का उल्लेखनीय देखने योग्य वस्तु है। ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक भवनों के अतिरिक्त आगरा में जो शिया संत काजी नरूला शास्त्री की मज़ार भी है जो जहांगीर के शासनकाल में ईरान से भारत आए थे। इसी तरह फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है और यह मकबरा मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। यह अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो जो शेख सलीम चिश्ती जी थे उनको हिंदू और मुसलमान जो दोनों ही धर्मों के लोग थे वह इनका बहुत आदर करते थे। इसी तरह से वह आगे बताते हैं कि जो उनके पिताजी के मित्र थे वह बहुत ही हसमुख थे, जिस कारण जो उनके घर में रहने वाले बच्चे थे सभी उनसे बहुत घुल मिल गए थे। इसी तरह से उन्होंने वहाँ पर विश्व के आश्चर्यजनक जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, सिकंदरा आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी। उसके बाद जो आलोक या अन्य बच्चे थे उन्होंने चाचा जी से बात करते हुए कहा कि आप कन्याकुमारी से आए हैं तो वहाँ के बारे में बताइए। कन्याकुमारी भी हमारे तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। तब चाचा जी जो हैं वह बताते हैं कि किस तरह कन्याकुमारी का नाम कन्याकुमारी पड़ा और वहाँ की क्या क्या चीज़ें देखने योग्य हैं, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है। इन सभी विषयों को आगे ने चाचा जी बताते हुए कहते हैं कि कन्याकुमारी में भगवती आदि शक्ति का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और इसी के नाम पर जो है इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा था। जिस प्रकार वाराणसी में शिव का मंदिर प्रसिद्ध है वैसे ही कन्याकुमारी में आदि शक्ति का जो मंदिर है वह बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद वह बताते हैं कि जो कन्याकुमारी है वह उसके तीनों ओर समुद्र है। बाईं ओर बंगाल की खाड़ी है, सामने हिंद महासागर है तथा दाहिने अरब सागर है। जो देवी के मंदिर यानी जो आदि शक्ति बताया गया है कि जिनके नाम पे कन्याकुमारी का नाम पड़ा था, आदि शक्ति मंदिर का पूर्वी फाटक जो बंगाल की ओर है वह वर्ष में केवल 4 या 5 बार ही खुलता है। ऐसी मान्यता है कि देवी की नाक में पहनाए गए हीरे की चमक के कारण दूर से आने वाले नाविकों की आंखों को चौंध लगती थी, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती थी। इसलिए जो यह फाटक बंद रहता है और केवल वर्ष में 4 या 5 बार ही खुलता है। आगे चाचा जी उन्हें बताते हैं कि कन्याकुमारी में जो स्मारक हैं उसके बारे में भी जो है अनेक कथाएँ हैं। तो इस पहले वे बताते हैं कि कन्याकुमारी में महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद इन दो महान जो हमारे महान आत्माएं थीं उनके स्मारक हैं। सन 1956 में महात्मा गांधी का सुंदर स्मारक वहां पर बनवाया गया था।
इसके विषय में वह एक बात बताते हैं कि जो महात्मा गांधी की मूर्ति के ऊपर एक इस प्रकार की छत का निर्माण किया गया है कि जो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी का जन्म होता है, तो 2 अक्टूबर की दोपहर को सूरज की चमकती किरणें ऊपर से सीधी बापू जी की प्रतिमा पर ऐसे पड़ती हैं कि उस समय तो यह प्रतिमा बड़ी ही भव्य लगती है और यह तो शिल्पकला का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। इसके बाद चाचा जी विवेकानंद के स्मारक के विषय में बच्चों को बताते हैं। वह कहते हैं कि भारत के महान संत विवेकानंद के नाम से तो तुम परिचित होगे। जब विवेकानंद जी हिंदू धर्म और दर्शन की उत्कृष्टता सिद्ध की थी उन्होंने और वह सन्यासी थे, तो यह जो घटना है उनके सन्यासी होने की बात की है। एक बार वह भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी आ गए थे। उस समय तक उनके मन में अनेक शंकाएं थी, यहाँ आकर चिंतन मनन जो था उनका वह और अधिक बढ़ गया था। एक दिन शाम के समय वह विचारों में डूबे थे तो समुद्र में तैरते हुए तट से लगभग 140 फीट दूर चट्टान पर जाकर बैठ गए। तीनों सागरों के संगम स्थल पर स्थित उस चट्टान पर बैठकर विवेकानंद जी जो थे वे ध्यानमग्न हो गए और वह 3 दिन और 3 रात तक लगातार ध्यान करते रहे। यहीं उनके मन को स्थिरता, शांति और नवीन बोध मिला। जैसे बुद्ध का चिंतन स्थल बौद्ध वृक्ष अमर हो गया, वैसे ही विवेकानंद की यह ध्यान स्थली भी अमर हो गई थी। यहीं उन्होंने मानव मात्र के लिए अपना जीवन अर्पित करने का, हिंदू धर्म की उत्कृष्टता से विश्व को परिचित कराने का संकल्प लिया था। इन्हीं घटनाओं को अमर बनाने के लिए इस पवित्र चट्टान को विवेकानंद स्मारक बनाया गया था। आगे वह बताते हैं, यह चट्टान जो है यानी जहाँ पर हमारे विवेकानंद जी ध्यानमग्न हुए थे, यह चट्टान समुद्र से लगभग 55 फुट ऊंची है तथा 3 एकड़ तक फैली हुई है। स्मारक का संपूर्ण भवन बहुत ही सुंदर है और प्रभावशाली शैली में बनाया गया है। यहाँ पर स्थापित जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है वह 8 फीट ऊंची कांसे की परिवार्जिका मुद्रा में बनाई गई है और इस प्रतिमा को देखकर जो श्रद्धालु होते हैं उनका सिर स्वयं ही झुक जाता है। लगता है कि शक्ति, भक्ति, आत्मविश्वास और क्रियाशील साकार हो गए हैं। यह स्मारक कब बनाया गया था, तो वह बताते हैं कि 2 सितंबर 1970 को इस स्मारक का राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था। चाचा जी उन्हें बताते हैं, इस तरह से इस कहानी में जो हमारे काल्पनिक पात्र थे उनके माध्यम से कन्याकुमारी के विषय में बताया गया है। तो इस पाठ के जो मेन मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से और पात्रों के माध्यम से समझा दिए हैं। आगे इस पाठ से संबंधित जो भी वर्क होगा आपको PDF के द्वारा दे दिया जाएगा, वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और ये पाठ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो आप लोग इस पाठ की एक बार रीडिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ के जितने अच्छे से समझ में आएगा वह मेरे इस तरह से बताने से नहीं आएगा। तो आप एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा।